आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर बुलेटिन का बायदागाज़ करेंगे हज कम्पलेक्स मुल्तान में स्काउट्स मामाज की जानिब से इख्तितामी तकरीब का इनका डायरेक्टर हज रिहान अब्बास खोखर ने सदारत की हज कम्प्लैक्स मुल्तान में आसमीनी हज के मुकदस सफर में आसानियाँ पैदा करने के लिए जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ असला से सोलह स्काउट्स लीडर बतौर माम सर अंजाम दे रही है जो कि वैक्सीन पासपोर्ट मालूम समेत कराम की रहनुमाई में मसरूफ़ अमल है चूंकि हज मिशन आखिरी मराहल में है इसलिए स्काउट माम की खिदमत के तराफ में अलविदा तकरीर मुनद हुई डाय अबासपोर्ट बहुत इश्फाक डोगर ने स्काउट्स मामाज में सर्टिफिकेट्स वीनियर्स और तहफ तक किए इस मौका पर रोशन पाकिस्तान से गुफ्तु करते हुए डायरेक्टर हज रेहान अब्बास खोखर और कोर्डीनेटर स्काउट्स इश्फाक डोगर ने कहा ये अलहमद पूरे पंजाब में जो पांचों हाजी कैंप का जो अलहदिल्ला हज ऑपरेशन अब अप कम्प्लीट होने जा रहा है ये स्काउट्स की साथ के बगैर स्काउट्स की काविशों के बगैर ये पॉसिबल नहीं था अलहमद एक ये रिकार्ड टाइम पीरियड में ये हज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ जो हज ऑपरेशन के लिए आपको पता ही है तकरीबन नौ से दस महीनों का टाइम रिकॉर्ड होता है बट ये एक से डेढ़ माह के अंदर सारा हज ऑपरेशन किया गया और इनमें ये सारी ये जो हाई ऑपरेशन की कामयाबी है इनकी इस इस इतनी खदमात है कि मैं बयान नहीं कर सकता इन्होंने दिन रात यहाँ पे काम करके मेरा भी सर फख्र से और सर भी फख्र से बुलंद किया है मैं मशहूर हूँ अपने सुबाई सेकटरी जनाब तारक कुरैशी साहब का अब्दुल्ला जहाँ जेब साहब का सरकल आर्गनाइज पंजाब जिन्होंने स्काउट्स की यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा और मुझे भी स्काउट कोऑर्डिनेटर यहाँ मुकर किया तो ये मेरी निगरानी में ये स्काउट लीडर यहाँ दिन रात काम करते रहे हैं और इन्होंने ख़ास तौर पर जो पासपोर्ट में काम था वो बहुत ज्यादा था क्योंकि जैसे पासपोर्ट आए हैं उनमें वीज़ा लगाना उनमें टिकट लगाना और दीगर लवाजमत उन्हें मुकम्मल करना इसके लिए बड़ा टाइम लगता था और उन्हें फिर तरतीब के साथ फ्लाइट वाइज करना ये बहुत मुश्किल काम था दिन रात इन स्काउट लीडर्स ने ए, काम करके इसे पाए तकमील तक पहुंचाया और इस तरह से हाजरेशन नहाय बी आसन सर पहुंचा प्रिंसिपल गर्ल्स हाई स्कूल दौलत गेट समीना सफर को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन मुल्तान होने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है इस ज़मन में रिटायर्ड सबक डी ई मुल्तान राना विलायत अली चीफ़ ऑर्गेनाइजर एजुकेशन एंड सोशल फोरम मियाँ वकास फ़रीद कुरैशी ने मुबारकबाद दी और उन्हें फूल पेश किए इस मौके पर राना विलायत अली मियाँ वकास फ़रीद कुरैशी ने समीना ज़फ़र की तालीमी खदम को सराहते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि वह उसके हकूक़ के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरू कार लाएंगी और हमारी नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं हालिया बारिशों ने बल्दिया कमेटी मेलसी की कारदगी का पोल खोल दिया बारिशों की वजह से कब्रिस्तान में मतदद कब्रें मुनहदम हो गई मेलसी शहर के ईदगाह के कब्रिस्तान में बारिश ने बल्दिया मेलसी का पोल खोल दिया बारिश का पानी झील का मंसर पेश करने लगा अरसा एतराज से इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और सेवरेज इंतजाम ना होने की वजह से बारिश में कब्रें मनदम हो जाती हैं और कब्रिस्तान में गंदा पानी बदबूदार नालियों और महल का पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से तमाम मार्केट में बदबू फैल जाती है मार्केट में कारोबार तबाह गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया ताहल कब्रिस्तान पानी मौजूद है शहरियों ने आला उकाम और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया मोहतरमा बेनसी भुट्टो की उनहत्तरवीं सालगिर के मौका पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैरपुर मीरज से भी काफ़ले रवाना हो गए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नरवीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल बिलाो सरदारी भी खिताब करेंगे इस जमन में चिलानी हाउस खैरपुर मीरज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह की क्यादत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लाड़काना के लिए रवाना हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला विहाड़ी के मरकजी तक मन महमूदी खान अली रजाक हाकवानी सैयद एजाज हुसैन शाह जनरल सेक्रटरी जिले इंफॉर्मेशन पीर अब्दुलरक कुरैशी तहसील सदर चौधरी बिलल एडवेट सीनियर नायब सदर राना मसर मेलसी समेत दीगरदार ने केक काटते हुए शमूलियत हुकमत पंजाब की तैयार पर महमा ख़ुराक की गंदम और आटे की स्मगलिंग को रोकने के लिए सूबे भर में सख्त जिले नाकाबंदियाँ जारी हैं इस सिलसिले में गुज्तर रोज़ सेक्ट्री जरात ख़ुराक पंजाब नादर चटा की हादत पर मुल्तान के खारजी रास्तों पर नाकाबंदी के जरिए गंदम की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया जिले इंतजामिया और फूड की जानब से जलालपुर इंटरचेंज से बैन सुबाई गंदम स्मगलिंग रोकते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने गंदम से भरे दो ट्रक पकड़ लिए और पंजाब से बाहर स्मगल होने वाली पंद्रह सौ मन गंदम कब्जे में ले ली इस मौका पर महकमा फूड की जानब से मुलमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिए गए सकटी खुराक पंजाब नादर चटा ने जिले इंतजामिया की कारदगी को सराहते हुए कहा कि हुकूमत सब्सिडी के हामिल आटे की एक एक बोरी हकदारों तक पहुंचाएंगी क्योंकि वजीर अली पंजाब ने सस्ते आटे के जरिए आवाम को रिलीफ देने का टास्क दिया है ने बताया कि सुबह भर में सस्ते आटे के होलसेल पॉइंट्स कर दिए गए हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में हर घर तक सस्ते आटे की फ्रामी जारी है और फ्लोर मिल से सप्लाई चेन का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जा रहा अलीपुर में 11 साल बच्ची से मुबैना सियाती चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने नोटिस ले लिया

कुकरीवाला में ज्यादती का निशाना बनाया ग्यारह साल बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती का वाक़ा इंतहा अफसोसनाक है मुतासरा बच्ची के वालद की मुदयत में मुबैना मुल्जम के खिलाफ थाना सदर अलीपुर में एफ आई आर भी दर्ज करवा दी गई है चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की खसूस हदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानब से ज्यादती का शिकार बच्ची की फैमिली को मुकम्मल कानूनी माम की जाएगी मेलसी में मुबैना तौर पर नाकस मटेरियल का इस्तेमाल लाखों रुपए से तामीर होने वाली सेवरेज पहली ही बारिश में बैठ गई महला दुरहट्टा रियाजाबाद ढुमक्की मुल्तान रोड पर लाखों रुपए से सेवरेज लाइन बिछाई गई जो अभी ऑपरेशनल होने से कबल ही गुजश्तर रोज आने वाली बारिश में बैठ गई और सड़क में भी दराड़े पड़ गई शहरियों ने बताया कि लाखों रुपए के फंड महकमा पब्लिक हेल्थ ने सेवरेज लाइन बिछाई मगर इससे नीचे बेड नहीं बनाया ना ही साइडों से ईटे लगा पाइप फिक्स किए वैसे ही मट्टी डालकर पाइप दबा दिए और उन्हें अलाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है रोशन नगर से फिलवत इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाजत अल्लाह नगबान